So guys, in this another article we have from Indian Express by V. Anant Nageswaran, not perverse. तो ये जवाब है हमारे कल वाले आर्टिकल के लिए जब उन्होंने कहा था ए परवर्स टैक्स. टीसीएस के बारे में बात हुई थी, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के बारे में सारी चर्चा हुई थी कि लेना नहीं चाहिए. उन्होंने इलाज बताया था क्या कर सकते हो वगैरह वगैरह. तो आज आनंद नागेश्वरन जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है तो वो कह रहे हैं कि जी परवर्स नहीं है. भी कल जो हमने लिखा था अपरवर्स टैक्स तो कहते हैं परवर्स नहीं है. तो उसकी जस्टिफिकेशन पूरी उन्होंने बताई है. क्या लिखा है कि गवर्नमेंट ने टीसीएस को क्लैरिफाई किया है ऑन क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स. इट ट्रैक्स फॉरेन स्पेंडिंग डिस्प्रोपोर्शनेट टू इनकम. कि दिस इज नॉट अबाउट इनकम, वे अनंत नागेश्वरन बोल रहे हैं. जबकि हमारा ये लगाने के पीछे क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग को ट्रैक करना है, फॉरेन स्पेंडिंग को ट्रैक करना है और ना कि इनकम को देखते हुए. चलिए देखते हैं क्या चीज है. ए परवर्स टैक्स, अ स्लेज हैमर अप्रोच एंड रेट्रोग्रेड आर सम ऑफ द इमोटिव रिएक्शंस टू द रीसेंट अनाउंसमेंट दैट फॉरेन पेमेंट्स थ्रू क्रेडिट कार्ड्स विल बी ब्रॉट विद इन द परव्यू ऑफ द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एंड द कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स ऑन सच पेमेंट. तो हमने तो देखा क्या ये यही चीजें हम कल पढ़ के आए, यही जवाब आया था क्या. एक परवर्स टैक्स बोला था, स्लेज हैमर अप्रोच बोला गया, रेट्रोग्रेड बोला गया. So these hyperbolic statements along with sweeping remarks such as tax terrorism, perverse, a broken down tax assessment system, etc. exaggerate the scale of the issue, stirring unnecessary panic among the public. In the process, the intent behind this move and its real impact has been completely lost sight of. तो अनंत नागेश्वरन बोल रहे हैं कि ये जो आपने हाइपरबोल क्रिएट किया है ना बहुत ज्यादा ऐसा करके, आप अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं. रेफर किसको कर रहे हैं वो आपको बताइए, जो हमने कल पढ़ा. तो पर कह रहे हैं कि जो एक्चुअली में गोल था इसको लगाने के पीछे, आप उसका जो साइट है, आप उसका जो एक्चुअल गोल है वो कहीं ना कहीं खो चुके हो. The attempt to confuse the recent announcement about TCS on credit card payments must be put to rest first. There is a need to step back and understand the concept, construct and consequence of this interim tax collection measure. कि ये जो बीच में हमने कहते हैं टैक्स लगाया है, जिसको आप सोच रहे हो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, पहले तो कहते हैं इसका कॉन्सेप्ट समझो, इसको लगाने के पीछे का क्यों समझिए. एज अ कॉन्सेप्ट पहली बात तो टीसीएस इज नॉट अ फाइनल टैक्स, वो तो बताया था आपको, लास्ट में लगने वाला तो नहीं है. इट इज एडजस्टेबल अगेंस्ट द एडवांस टैक्स पेएबल बाय एनी पर्सन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड फ्रॉम द फाइनल टैक्स पेएबल व्हेन फाइलिंग रिटर्न. एडजस्ट तो हो जाएगा, वो तो हमने कल भी डिस्कस किया था. सो इट इज नॉट एन एडिशनल लिवाय फॉर दोज इंडिविजुअल्स हु इंक्लूड ऑल देयर इनकम इन देयर टैक्स रिटर्न्स. जो आपके रिटर्न्स के अंदर अपनी सारी इनकम को इंक्लूड कर लेते हैं, ये उनके ऊपर लगने वाला कोई एडिशनल टैक्स भी नहीं है. पहली बात तो उन्होंने क्लियर कर दिया. इट इज अ फैक्ट दैट रेमिटेंसेस अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम हैव इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स एंड एज पर डेटा पब्लिश्ड बाय द आरबीआई लिबरलाइज्ड रेमिटेंस सर्विस रेमिटेंसेस व्हिच वर रुपीज 0.9 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 19 क्रॉस्ड रुपीज 2 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 23. तो पहले तो कहते हैं ये समझ लो कि हमने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर टीसीएस का पैसा क्यों रखा है. पहली बात तो वो हमने क्यों लगाना शुरू किया, क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गई. पहले तो ये समझ लो. ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 एन इंटरेस्टिंग ट्रेंड वाज नोटिस्ड इन द रेमिटेंसेस फॉर डिपॉजिट्स परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी डेट गिफ्ट्स ऑब्लिक डोनेशंस एंड ट्रेवल. Remittances under these heads constituted almost 70% of the total, representing a year-on-year growth of 74% growth हमारी हो रही है remittances के अंदर. और ये वो पैसा है जो लोग liberalized remittance scheme के अंदर tax नहीं भरते थे, क्योंकि RBI ने LRS के तहत इनको निकाला हुआ था. पर वो निकाला तब हुआ था जब remittance का पैसा या remittance की transaction आपकी कम थी. पर आज वो नंबर आपका
हर साल कहते बढ़ता बढ़ता 74% ग्रोथ पे पहुंच गया। फॉरेन ट्रैवल अलोन वाज ऑलमोस्ट रुपीज 1.1 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 23, अ थ्री फोल्ड इंक्रीज फ्रॉम द प्री कोविड पीरियड। सो इन ऑल ऑफ दीज payments made through credit cards are not reflected as such payments were not subject to the LRS limit. वो तो बता दिया आपको, ये सारी payments आपकी जो credit card से हुई हैं, ये सारी payments आपकी scheme के limit से बाहर थी। And this is an anomaly that needed to be fixed anyway. पहली बात तो TCS को लगाने के पीछे का ये कारण है। In 2020, when TCS was first brought in on LRS remittances, a modest rate of 5% was introduced with a threshold of rupees 7 lakh. This was done to track foreign spending disproportionate to returned income. It was also expected that this would nudge people to come forward and file tax returns, जो कि आज से पहले वो file नहीं करते थे. Unfortunately, the system was circumvented in multiple ways, primarily by splitting payments in the name of multiple individuals, जैसे कि minor के नाम पे या household staff के नाम पे, और वो बंदा फिर अपनी income को threshold से कम दिखा लेता और उसे भरना नहीं पड़ता था। Also, in many cases, the 5% tax was absorbed as a cost and not claimed by filing a return. 5% का तो कहते खर्चा ही दिखा देते और return आपकी नहीं भरते थे। तो possibly इन सारे कारणों की वजह से the government had to step in to bring changes in the recent budget, जैसे कि removing the threshold for all payments other than education and medical expenses. लीजिए कि एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस को छोड़ के इन्होंने बाकी सारी पेमेंट्स के ऊपर लगने वाले थ्रेशोल्ड को हटा दिया, कोई लिमिट नहीं। दूसरा, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ टीसीएस फ्रॉम 5% टू 20%, ताकि कल को आप अगर खर्चा भी दिखाना चाहो तो खर्चा कितना दिखाओगे? खर्चा 5 तो दिखा सकते हो, पर खर्चा 20 तो नहीं दिखा सकते ना, ये इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया। So it is reiterated that the rate of TCS of 5% and rupees 7 lakh threshold still applies for education and medical expenses. Further, remittance out of educational loans would be subject to TCS of 0.5% only. The higher rate of TCS is only for kin ke liye, investments ke liye, gifts ke liye, donations ke liye and overseas travel. The government has also clarified that payments made by an individual using their international debit or credit cards up to rupees 7 lakh per financial year will be excluded from the LRS limits and will not attract TCS of 20%. वो limit तो सरकार ने आज भी रख रखी है। Now, turning to the issues of tax terrorism and other concerns जो कहे गए TCS के लिए, which have been raised almost as a sequel to TCS on LRS. These remarks may be out of context when one considers the intent and impact of TCS as narrated above. But phir bhi, it is important to address these issues as well. The chief economic advisor keh rahe ki waise to upar likhi baaton ke baad tax terrorism ka koi mudda bachta nahi, par phir bhi kehte wo justify karenge. Pehla, the tax rates for corporates were significantly reduced in 2019 to attract more investments and facilitate job creation. ताकि अगर वो कम पे करेंगे तो उसके बिहाफ पे वो ज्यादा स्पेंड करेंगे, और ज्यादा स्पेंड करेंगे तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा। दूसरा, ये a simpler tax regime for individuals that placed a lesser burden on them for computing various deductions and exemptions was also introduced. वो तो जानते हो आप, form A की कर दिया। This has been made more attractive in the recent budget. A facility for filing updated tax returns for genuine omissions of reporting has been extended, which has been met with great response. काफी लोग आगे आए और उन्होंने खुद अपने moral obligation के तहत वो जो कुछ बातें रह गई थी tax returns में बतानी, उन्होंने update किया। तीसरा, ये faceless assessment has been implemented in the assessment process, reducing touch points with the tax administration and facilitating the faster resolution of concerns and issues. क्योंकि बहुत बड़ा कारण हमारे इंडिया में tax litigation का भी है। The time limit to reopen assessments was reduced from 6 to 3 years
and an extended period of 10 years is applicable only in case of information regarding tax evasion. कि अगर किसी ने चोरी की है टैक्स की, तो हालांकि कल ऑथर इस आर्टिकल में बता रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे, कि उन्होंने 6 से 16 कर दिया, जबकि ये बता रहे हैं कि किसी भी असेसमेंट को रीओपन करने का जो समय है वो 6 से अब 3 कर दिया, जबकि वो कल कह रहे थे इट हैज बिकम 16, पर उन्होंने अगली लाइन में लिख भी दिया कि 10 साल एक्सटेंडेड पीरियड हम 3 के ऊपर सिर्फ तब लगाते हैं और सिर्फ उन केसेस में लगाते हैं जिन्होंने टैक्स की चोरी की हो पहले. तो कहीं ना कहीं पे देखो बात तो वही है, आपको मानना पड़ेगा. ये सिर्फ एक लाइन में 3% लिख के बात तो नहीं बढ़ेगा, वरना ज्यादातर जो आप पुरानी असेसमेंट खोलोगे तो टैक्स की चोरी तो लगभग लोगों ने की होती है. इसका मतलब बताना तो आप यही चाह रहे हो, तो ये तो देखो कहीं ना कहीं पे डाउट है क्या. सो स्क्रूटनी एंड इन्फोर्समेंट आर यूज्ड ओनली इन अपेरेंट टैक्स अवॉइडेंस एंड डेलिबरेट टैक्स इवेजन केसेस. कि जिन्होंने जान करके ऐसा किया है, स्क्रूटनी और इन्फोर्समेंट भी सिर्फ आपकी वही होती है. चौथा क्या किया, टेक्नोलॉजी हैज बीन लेवरेज्ड इफेक्टिवली टू ईज द बर्डन ऑफ कंप्लायंस बाय रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइलिंग, प्रोवाइडिंग प्री फिल्ड रिटर्न्स एंड द फास्टर इशू ऑफ रिफंड. As the finance minister stated in her recent budget speech, the income tax portal received a maximum of 72 lakh returns daily. It processed more than 6.5 crore returns last year, with the average processing period reduced from 93 days hua karta tha 2013-14 mein, and now it has been to 16 days. Almost 45% of the returns were processed within 24 hours. और लास्टली कंसर्न्स आर वेल एक्नॉलेज्ड ऑन द लिटिगेशन इशू एंड द गवर्नमेंट हैज टेकन मल्टीपल स्टेप्स टू रिड्यूस द अमाउंट लॉक्ड अप इन टैक्स डिस्प्यूट्स. कि ज्यादा पैसा आपका टैक्स डिस्प्यूट्स में या टैक्स लिटिगेशन में फंसे ही ना. टू नेम अ फ्यू, जैसे कि द रिडक्शन इन द थ्रेशोल्ड अमाउंट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील्स बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट. जैसे ये आपने कर दिया, आपने थ्रेशोल्ड ही कम कर दिया कि भैया इस अमाउंट से कम कम के थ्रेशोल्ड के पहले अगर कोई आएगा तो हम उन अपील्स को रिजेक्ट कर दें. पहला तो ये कर दिया. दूसरा, विवाद से विश्वास स्कीम, जो कि टैक्स डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन स्कीम ही है, पर वो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए है, याद रखिएगा. द न्यू प्रोविजन टू अवॉइड द फाइलिंग ऑफ रिपीटेटिव अपील्स, सेटिंग अप ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी फॉर रेजोल्यूशन ऑफ लो टैक्स डिस्प्यूट्स, the constitution of a local committee to deal with taxpayers' grievances from high-pitched assessments, and the recent amendment to bring a new appellate forum of joint commissioner for handling routine matters of tax disputes. तो ये सारे government ने कुछ steps आपके लिए, ताकि कम से कम एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसके बारे में chief economic advisor भी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल मैं समझता हूँ कि tax litigation आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा, पर सरकार ने कई चीजें announce की हैं. But while the debate on the role of tax administration in providing justice and ease of life for honest taxpayers is well intended and taken in the right spirit, it is important to acknowledge the government's genuine efforts in that direction. तो वो जो कल हमारे author बोल रहे थे कि सरकार जो है वो honest taxpayers को consider नहीं करती, वो आपके former finance minister अरुण जेटली की वो 1 crore के ऊपर लगाए जाने वाले surcharge की statement का हवाला देके आज वो justify कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं. It is also equally important for honest taxpayers to join in and support the government in promoting a fair, easy and compliant taxation system in the country. इसमें तो कोई दराय नहीं कि अगर ज्यादा लोग आपके टैक्स को बचाएंगे और अगर टैक्स नहीं देंगे और सरकार आप चाह रहे हैं कि उसके बिहाफ पर फिर लोगों के टैक्स कंप्लायंस को बनाने के लिए कुछ भी ना करें, नहीं जी ऐसा तो नहीं हो सकता. क्योंकि as I said and as the tax economy believes in, ज्यादा लोगों से अगर आप लोगे तो वो ज्यादा बेटर सिस्टम है इन कंपेरेटिव टू थोड़े लोगों से ज्यादा चार्ज कर. अब याद होगा हमारा एक क्लासिकल ट्रिटाइज है अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, इवन उसके अंदर भी यही लिखा गया है कि ज्यादा लोगों से चार्ज करो, पर जिसका जितना बनता है चाहे उतना चार्ज कर लो, बट चार्ज फ्रॉम मेनी पीपल रादर देन चार्ज फ्रॉम लो पीपल या थोड़े लोग और उनसे ज्यादा चार्ज करो, वो अच्छी चीज नहीं, पर ना ही वो देश का बेटर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है फिर आपका. तो ये उन्होंने जस्टिफाई किया हमारे कल वाली बात को लेके कि भैया जिसको आप एक परवर्स टैक्स कह रहे हो वो परवर्स नहीं, वो नॉट परवर्स है. दैट इज समथिंग वी हैव.